हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मोजीत्रा आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्ले अगेंस्ट किंग्स इंडियन अटैक, नॉट किंग्स इंडियन डिफेंस। नॉर्मली किंग्स इंडियन डिफेंस ब्लैक की ओर से खेला जाता है और किंग्स इंडियन अटैक जनरली फ्रेंच डिफेंस के अगेंस्ट खेला जाता है। तो हाउ टू प्ले अगेंस्ट किंग्स इंडियन अटैक, ये ध्यान रखिए, अगर आप फ्रेंच प्लेयर हो तो आपको ये लाइन बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ शुरू करते हैं। e4, वाइट जब e4 खेलता है तो फ्रेंच प्लेयर का फर्स्ट मूव है e6। उसके बाद नॉर्मल मूव जो है वो d4 है, लेकिन वाइट अगर किंग्स इंडियन अटैक करना चाहता है तो d3, और यहाँ आपको खेलना है d5। ये फ्रेंच की मेन मूव है दोनों, e6 एंड d5, कोई चेंजिंग नहीं है। नाइट d2 वाइट खेलेगा और यहां आपको नाइट f6 करना है, नाइट f3, और यहां पे एक सरप्राइज मूव है नाइट c6। ये शायद कहीं आपने देखे नहीं होगी, लेकिन ये बेस्ट मूव है, डेटाबेस में से ये मूव मैंने चॉइस किया है। वाइट खेलेगा यहां पे g3 और यहां पे ब्लैक से हमें खेलना है बिशप टू c5 आफ्टर बिशप g2 d takes e4। अब यहाँ पहले एक पॉन कैप्चर कर लेना है, और यहाँ ध्यान रखिए कि वाइट को कंपलसरी d takes e4 ही करना पड़ेगा। अगर वो knight takes e4 करता है यहाँ पे सपोज, तो ये बहुत ही ब्लंडर मूव है, क्योंकि आफ्टर knight takes e5 d takes e4 देन queen takes देन king takes देन bishop to f2, तो यहाँ पे सिर्फ व्हाइट कैसलिंग ही लॉस नहीं करता है, एक पॉन भी लॉस करता है। ये पोजीशन में कम्प्लीटली ब्लैक के फेवर में गेम आ जाएगी। तो ये d takes e4 इज ए कंपल्सरी मूव। तो d takes e4 के बाद यहाँ पे आपको करना है e5। e5 में दोनों साइड से कैसल होगा। अब देखिए स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की ओर से परफेक्ट है। व्हाइट का भी कैसल हो चुका है, दोनों नाइट बिशप डेवलप हो चुके हैं, ब्लैक का भी कैसल हो चुका है, दोनों नाइट और बिशप डेवलप हो चुके हैं, तो इक्वल ओपनिंग है। लेकिन इसमें एडवांटेज ज्यादातर ब्लैक को रहता है। कैसे रहता है देखते हैं हम। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा c3। c3 इसलिए कि आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नेक्स्ट मूव व्हाइट का ट्राई है b4 करने का और अपने डार्क स्क्वायर बिशप को ओपन करने का विद टेम्पो। तो यहाँ पे तुरंत ही आपको a5 कर देना है, पॉन को b4 आने से स्टॉप कर देना है। व्हाइट खेलेगा queen to e2 और यहाँ पे queen e7। इसमें एक प्लानिंग होता है व्हाइट का कि जैसे सिसिलियन मोरा गंबिट में रुक queen e2 देन रुक d1 आता है, यही स्ट्रक्चर व्हाइट चाहता है। लेकिन हम queen e7 करने के बाद फ्री हो जाएंगे। व्हाइट रिप्लाई देगा a4 और यहाँ पे आपको सिंपल b6 करना है। अब नेक्स्ट थ्रेट है आपकी bishop to a6, ये थ्रेट आपकी है bishop a6। अगर व्हाइट ने यहाँ पे rook d1 कर दिया तो सिंपल knight g4 से आप व्हाइट की मूव भी वेस्ट करवा सकते हो। f2 पे डबल अटैक करने के बाद रुक को वापस जाना पड़ता है और इसमें व्हाइट दो मूव लॉस करता है। तो दो मूव लॉस मतलब गेम में कितने पीछे चले जाएगा व्हाइट। तो यहाँ पे rook d1 पॉसिबल नहीं है। rook d1 के अच्छा एक और भी है, rook d1 में knight g4 के बेटर है bishop to a6 पहले भी खेल सकते हो आप, knight g4 के बाद में या पहले। bishop a6 में अगर queen e1 जाता है तो सिंपल knight g4 देन क्लियर कट ब्लैक अप, क्योंकि इस पॉन को कोई डिफेंड नहीं आ रहा है और यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में गेम है। तो समझ लो कि queen e1 नहीं खेलता है व्हाइट और रिप्लाई देता है लाइक c4 बिशप को स्टॉप करने का। तो यहां आपको खेलना है r8 d8। व्हाइट खेलेगा b3 और उसके बाद bishop to b7 और अब ये बिशप यहां एक्टिव होगा e4 पे। तो bishop b7 के बाद व्हाइट ट्राई करेगा डेवलप करने का, तो bishop b2 इज ए कंप्लीट मूव और यहाँ पे आपको खेलना है knight to g4 और फिर से इस पॉन पे अटैक। अब आप देख सकते हो कि वापस से rook f1 व्हाइट की फोर्स मूव है।
तो ये पोजीशन में कंप्लीटली ब्लैक अटैक ही करता है, व्हाइट को सिर्फ रिप्लाई देना पड़ता है। ध्यान रखिए, बहुत मजा आएगा इस गेम को खेलने में। रुक F1 के बाद यहाँ एक दूसरी जबरदस्त थ्रेट है नाइट टू B4। अब नाइट B4 के बाद ये नाइट आउटपोस्ट होता है यहाँ पे D3 पे, तो ये भी बहुत ही डेंजर होगा व्हाइट के लिए। तो H3 अगर काउंटर अटैक करता है व्हाइट, तो यहाँ सिंपल नाइट सेक्रीफाइस, नाइट टेक्स F3 आफ्टर रूक टेक्स F2, देन नाइट D3 और आपको ये बिशप और ये रुक दोनों पे अटैक है, आपको पीस भी वापस मिल रहा है और बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में आपकी गेम आ रही है। रुक D1 के बदले क्या खेल सकता है व्हाइट, हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि बिशप हमने B6 किया और रुक D1 व्हाइट ने नहीं किया कि बिशप A6 को आने देते हैं, तो इसके बदले नाइट C4 पहले ही खेल ले तो क्या करें? नाइट C4 में भी आपको बिशप A6 करना है, पिनिंग दिस नाइट, और यहाँ पे व्हाइट ट्राई करेगा उसे एक सपोर्ट बढ़ाने का B3, और यहाँ आपके पास जबरदस्त मूव है पॉन टू B4। A takes B4 और यहाँ पे बिशप टेक्स B5, फिर से नाइट पिन, क्वीन C2, यहाँ पे रिप्लाई देखते हैं व्हाइट के क्या दे सकता है, क्वीन C2 पिनिंग में से हटाने का, और दूसरा जो रिप्लाई है NFD2, मतलब इस नाइट से इस नाइट को प्रोटेक्शन। तो ये दो ऑप्शन है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्वीन C2 अगर व्हाइट करता है तो क्या करना है। क्वीन C2 में सिंपल बिशप टेक्स C4, B takes C4 और आपके पास पास पोन भी रहता है इस गेम में, और वाइट का एक लाइन में डबल पोन भी रहता है, तो बहुत सारी वीकनेस यहाँ पे वाइट की ओर से हो जाती है। चलिए हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं Nf d2, नाइट मतलब वो पोन बिगाड़ना नहीं चाहता और नाइट से सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आपको Nd7 करना है। Nd7, क्वीन D1, व्हाइट खेलेगा क्वीन टू D1, पिनिंग में से हट जाएगा, और यहाँ रुक Fd8, डिस्कवर एक्सरे अटैक, और उसके बाद Re1, मतलब अब टोटली उसका C4 वाला नाइट फ्री हो गया है, वो खेल सकता है कहीं भी, क्योंकि नाइट कहीं किसी भी एंगल से पिनिंग नहीं है। तो Re1 के बाद आपको खेलना है क्वीन टू F6 विद द थ्रेट ऑफ क्वीन टू F2। तो ये एक जबरदस्त प्लानिंग के साथ आपकी गेम आगे बढ़ेगी। Ne3 एक बेस्ट चॉइस है यहाँ पे, Ne3 से पॉन को और नाइट को फ्री करते हैं। तो Ne3 के रिप्लाई में बिशप टेक्स E3 आपको करना है। अब बिशप टेक्स E3 में ऑब्वियस मूव है रुक टेक्स E3, और यहाँ नाइट टू C4। अब नेक्स्ट मूव नाइट D3, तो बिशप F1, ये व्हाइट की ओर से बेस्ट रिप्लाई होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जो बिशप है उसके साथ अपना बिशप एक्सचेंज करने का प्लानिंग। बिशप F1 में आप सिंपल बिशप टेक्स एक्सचेंज कर सकते हो, बिशप F1, क्वीन टू F1 और उसके बाद क्वीन E6। अब फिर से एक नॉर्मल थ्रेट है क्वीन टू B3 की, तो क्वीन E6 के रिप्लाई में व्हाइट अगर रिप्लाई देता है क्वीन टू B5 विथ अटैक ऑन दिस नाइट और डिफेंड दिस पॉन, तो यहां आपको रिप्लाई क्या देना है, नाइट D7। अब नाइट D7 से आपका नाइट भी सपोर्ट हो गया, पॉन भी प्रोटेक्शन हो गया। व्हाइट खेलेगा बिशप टू A3 और आपका नाइट F6। अब नाइट का मैनोवरिंग यहां पे, अब ये पोजीशन में डिस्कवर की थ्रेट भी है और नाइट G4 की भी थ्रेट है, देन क्वीन टू H6 और क्वीन टू F6, मतलब बहुत सारा प्ले है आपके पास, बहुत प्ले। और मैं इतना तो मुझे पता है कि इस गेम में ब्लैक को विनिंग चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों किंग्स इंडियन अटैक,
अगर व्हाइट खेलता है तो आप इस प्रकार से प्ले करिए, बहुत मजा आएगा ब्लैक से। फ्रेंच प्लेयर के लिए स्पेशल ओपनिंग है ये, नाइट e2, यहाँ पे बिशप c5, देन पॉन टेक्स, पॉन टेक्स और e5, कैसलिंग कैसलिंग c3, इसको स्टॉप कीजिए, और यहाँ क्वीन e7 और a5, उसके बाद b6 विद द थ्रेट ऑफ बिशप a6, रुक d1 आता है तब भी नाइट g4, और रुक d1 के बदले मैंने जो जैसे कि बताया कि पहले से नाइट c4 अगर वाइट खेलता है तो यह पिन कर दो, सपोर्ट देगा, आप अटैक करके फिर से पिनिंग कर सकते हो, और नाइट का मैनोरिंग करना इस गेम में काफ़ी मजा आएगा, इसमें खेलने में बहुत सारा अटैकिंग लाइन है, तो फ्रेंच डिफेंस प्लेयर के लिए बेस्ट चॉइस है ये। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी ओपनिंग बताऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बहुत सारी हर एक मेरा जो वीडियो है उसमें आपको कुछ ना कुछ नई ओपनिंग सीखने को मिलती है। आज तक ऐसा नहीं बना कि कोई भी ओपनिंग मैंने रिपीट किया है, बहुत सारी ओपनिंग का खजाना है मेरे पास, और इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें। दोस्तों बहुत ही मजा आएगा, चेस में आप बहुत ही आगे जा सकते हो ऐसी अलग अलग ओपनिंग्स ट्राई करके, और ये कोई भी ओपनिंग जब मैं सिखाता हूँ उसे आपको पहले ऑनलाइन उसकी बरोबर प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर आप इस गेम का ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों खास करके एक बात और है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बहुत कम लाइक्स आते हैं इतने सारे मेहनत के बाद, तो आई होप सभी लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और भी बहुत सारी ओपनिंग्स आपको जानने को मिलेगी, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।